आज हम कॉर्न कटलेट्स बनाएंगे। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और बारिश का मौसम है तो भुट्टे भी आसानी से मिल जाते हैं। आप इसको स्वीट कॉर्न से भी बना सकती हैं और देसी भुट्टे से भी बना सकती हैं। ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको कॉर्न चाहिए और थोड़ी सी ब्रेड स्लाइसेस और आलू। तो यहाँ हम थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा लिया है, अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो उबले हुए आलू को अच्छी तरह से मैश कर लें, उसके बाद उसमें ब्रेड को भी तोड़कर अच्छे से डाल दें और ये जो कॉर्न पीस कर रखा था ये भी मिला देंगे। अब इसमें चिली फ्लेक्स डालें अपने स्वादानुसार। आसानी से ये मिक्स्ड हर्ब्स बाज़ार में मिल जाती हैं, इसको भी आधा चम्मच डाल लें। नमक डालना है और थोड़ी सी लाल मिर्ची, ये ऑप्शनल है, आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो थोड़े कम भी डाल सकती हैं, काली मिर्च भी डाल सकती हैं। और साथ ही अगर आप ये मिक्स्ड हर्ब वगैरह नहीं डालना चाहती हो तो जो घर के मसाले होते हैं जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक, अमचूर पाउडर या गरम मसाला, ये सब डालकर भी आप ये टिक्की बना सकती हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे जिससे कि ये कुरकुरे बने और इसको हम ढककर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। आप इसको फ्रिज में भी इस तरह से प्रिपेयर करके रख सकती हैं और किसी भी समय आप चाहें तो गर्मा गर्म बना सकती हैं। इसको हम कटलेट का शेप दे लेंगे, देखिए बिल्कुल इस तरह से। अगर आप चाहें तो अपने मनपसंद या बच्चों के पसंद का कोई शेप देना चाहें तो वो भी दे सकती हैं। इसको आप डीप फ्राई भी कर सकती हैं लेकिन ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, ये इस तरह से भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है जब तक ये कुरकुरे ना हो जाए। देखिए एक तरफ से जब कुरकुरे हो जाएंगे तब हम इसको पलट देंगे, देखिए इस तरह से। ये टमाटर की चटनी के साथ, केचप के साथ या टोमेटो सॉस के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप उनको बच्चों को बना के देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाएंगे। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।